Welcome back to our channel. I'm Shweta. And I'm Shreya. So guys, we are back with another video today. और आज हम लोग reaction देने वाले हैं दौलत movie के first song. हाँ, new song पे. जैसे कि आपको पता है कि बहुत टाइम पहले इसका जो है टीजर आउट हुआ था. हम लोग वेट कर रहे थे कब सॉन्ग आएगा. बट फाइनली जो है इसका सॉन्ग आउट हो चुका है. मूवी आने के जस्ट एक दिन पहले ये सॉन्ग, मतलब दो तीन दिन पहले ये सॉन्ग आउट हुआ है. मुझे समझ नहीं आया कि इतना लेट क्यों किया, जबकि ये सॉन्ग का जो टीजर था, सॉन्ग क्यों आउट किया जबकि, और हमने ट्रेलर पे देखा था एक और सॉन्ग है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है. एंड हमने, जैसे पता ही हमें कि बनारस में पूरी शूटिंग हुई है, और इस सॉन्ग की तो पूरी शूटिंग ही बनारस में हुई है, जो हमें टीजर में ही दिख गया था. पूरी बनारस में हुई है, और वो टीजर में जो लाइन था वो बहुत प्यारा लगा था. तो सबसे हम एक्साइटेड थे सुनने के लिए सॉन्ग. और इसमें इसको गाया है मोहम्मद इरफान एंड रुबाई ने. तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट सुन लेते हैं सॉन्ग. तो स्टार्ट करते हैं. जिस्म में तेरे ऐसे उतर जाए हम, रूह निकले तेरी और मर जाए हम. जिस्म में तेरे ऐसे ठहर जाए हम, चोट तुझको लगे और बिखर जाए हम. सोच पर सांस पर, दिल की दहलीज पर तेरा कब्जा हुआ, मेरी हर चीज पर. पास इतने तेरे खुद को कर जाए हम, देखे दुनिया तुझे और नजर आए हम. जिस्म में और मर जाए हम. सबसे पहले सुबह तुझको ढूंढे जाए हम, तेरी तस्वीर हो और उभर जाए हम. जिस्म में तेरे ऐसे उतर जाए हम, रूह निकले तेरी और मर जाए हम. जिस्म में तुझको लगे और बिखर जाए हम. देखे तू आई
वॉज द सॉन्ग बहुत सुकून था गाने में, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा सॉन्ग था, बहुत सुकून वाला सॉन्ग था। एंड दोनों की केमिस्ट्री इतनी प्यारी लग रही थी, इतने इनोसेंट लग रहे थे दोनों। कौन बोलेगा कि शाकिब खान इसमें साइको सीरियल किलर, कौन बोलेगा ये लड़का सीरियल किलर है इस सॉन्ग में, समझ ही नहीं इस सॉन्ग में मतलब इस मूवी में। तो वही है ना कि साइको या फिर सीरियल किलर जो होते आपको जिनको देख कर लगेगा कि ये हो सकते वो नहीं होते, जिनको देख कर आपको कभी लग ही नहीं सकते कि ये होते वही होते हैं। सही में बहुत अप्रिशिएशन बनता है, बहुत अच्छा काम किया है दोनों ने, एंड सिंगर्स ने स्पेशली बहुत अच्छी तरीके से गाया है सॉन्ग को। मुझे टीजर से ही बहुत एक्सपेक्टेशन थे इस सॉन्ग को लेके, एंड आई थिंक ये शाकिब खान के करियर का फर्स्ट हिंदी सॉन्ग है, मतलब पैन इंडिया फिल्म है ना ये, तो इसके पहले उन्होंने आई डोंट थिंक सो हिंदी, मतलब इसका बंगाली वर्जन भी आया है। बंगाली वर्जन तो ऑब्वियसली आया है, आपको अगर उस पर रिएक्शन चाहिए तो आप बताना, हम उसमें भी अपना रिएक्शन लेकर आएंगे। बट हाँ ये सॉन्ग तो मैं बहुत अच्छा, बट मेरे लिए जहाँ से सॉन्ग जो है वो मतलब फीमेल वोकल, जहाँ पे आया ना ऐसा आया जैसे एक अलग जान डाल दी सॉन्ग में, नहीं कितना सुकून था यार उनकी आवाज में। आई थिंक वो बांग्लादेश की सिंगर है रुबाई, क्योंकि मैंने मैंने उनके बारे में बॉलीवुड में तो नहीं सुना है। बहुत अच्छी आवाज है यार उनकी, क्या ठहराव से उन्होंने वो खत्म किया, खत्म उन्होंने किया। सेकंड ऑफ ऑल वो हिंदी में गाया उन्होंने, एंड क्या क्लियरली गाया। और सबसे अच्छा चीज मुझे ये लग रहा था बनारस, इतना सुंदर है बनारस। और उसमें इस सॉन्ग में एक सीन है वो मतलब सेम सीन एक ब्रह्मास्त्र में भी था, वो केसरिया सॉन्ग में फूलों की बारिश हो रही होती है, वो सेम घाट था, वो सेम जगह था, एंड वो उसमें भी वैसे वो फूल और रंग की बारिश हो रही होती है, और यहाँ पे भी सेम। मुझे देखते ही वो सॉन्ग याद आया, मैंने बोला था इसको 3-4 बार बोला, और बहुत अच्छा भी लग रहा था देखने में। एंड बनारस की खूबसूरती को इन्होंने जिस तरीके से इस सॉन्ग में दिखाया है ना, मैं देख रही थी वही कि इन्होंने बहुत बनारस की गलियों को, घाट वगैरह इन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है इस सॉन्ग में। सब कुछ बहुत अच्छा था, मतलब नॉट ओनली सिंगर्स और एक्टर्स, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट डायरेक्शन और आप जिस जगह पे कर रहे हो उस जगह की खूबसूरती को दिखाना, एंड किस टाइम पे, क्योंकि बनारस बहुत सुंदर है। एंड बट हाँ, आपको कोई भी जगह जो है जो खूबसूरत होती है उसको आपको कैप्चर करना आना चाहिए, तब जाके वो जगह की खूबसूरती निकल के आती है। बनारस बहुत सुंदर जगह है, देवभूमि है, बहुत खूबसूरत है। एंड एक सीन था जहाँ पे वो शाम हो रही थी और सूरज ढल रहा था, वो नीचे से वो पूरा रेड स्काई हो रहा था, ऊपर से वो अंधेरा आ रहा था, वो और उनकी बस शैडो दिख रही थी, शैडो दिख रही थी। मुझे वो पोर्शन, मुझे 2-3 पोर्शन रेड सॉन्ग से भी बहुत अच्छा था। मैं वही बोलने जा रही थी, वो अंधेरा जो घाट था और वो नाव के बीच में बैठे हुए थे वो पोर्शन, और वो जब पानी जो वो चांद का जो रोशनी रिफ्लेक्ट हो रहा था, और वो सीन बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। वोकल के साथ उस सीन को जिस तरीके से इन्होंने सिंक्रोनाइज किया है ना, ये बहुत अच्छा था, क्योंकि रात बनारस में, रात घाट जो है बनारस की, रात जो है घाट में अगर आप जा रहे हो बहुत प्यारी लगती है, इतना लगेगा ना आपको, और उसमें ये ऐसा वॉयस हो तो भाई बात ही अलग है। नहीं बहुत अच्छा काम किया है से, कि कहीं पे भी कोई मतलब खामी, ट्रेलर जितना अच्छा था, टीजर जितना अच्छा था, सॉन्ग भी उतना ही अच्छा है, तो दिख रहा है भाई अपनी पूरी जान डाल दिया। एंड वी रियली विश कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर जाए, और हाँ क्योंकि मतलब लग भी रहा शाकिब खान की ऑलमोस्ट सारी फिल्म से हिट होती है, सुपर हिट होती है। एंड हाँ ये मूवी भी वैसे और क्वालिटी मूवी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी है, क्वालिटी फिल्म है, ऐसे ही हाइप नहीं बना रखी है, हाइप बनाने लायक है तभी बनाई है। सो यस, हमें बहुत अच्छा लगा सब कुछ। सोनल बहुत प्यारी लग रही है, सोनल वैसे भी मुझे बहुत प्यारी लग रही लगती है वो, और यहाँ पे वो बहुत प्यारी लग रही है। शाकिब खान के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत बहुत प्यारी लग रही है। शाकिब खान की भी एक बात है, वो किसी भी एक्ट्रेस के साथ केमिस्ट्री बना लेते हैं, बहुत सही जाता है ऐसा, हमने जितना देखा है सबके साथ ही केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी है। शुभश्री के साथ देखा है, उनके साथ भी बहुत अच्छी लग रही थी, मिमी के साथ देखा है, उनके साथ भी बहुत अच्छी लग रही थी, सोनल के साथ कुछ नहीं, सोनल के साथ ऐसा लग रहा है कि मतलब
इनबॉर्न केमिस्ट्री है, ऐसा अलग से ग्रो नहीं करना पड़ रहा है, मतलब आप प्यारा टाइप का केमिस्ट्री है ना, चलो वो तो फिर भी हो जाता है कि वो बंगाली इंडस्ट्रीज की है, इधर की है, मतलब एपार बांग्ला ओपार बांग्ला जो बोलते हैं तो वो इधर की है, वो लोग उधर के, बट बंगाली इंडस्ट्री की है। पर सोनल की बात थोड़ी अलग है क्योंकि वो आई थिंक फर्स्ट फिल्म है उनकी बंगाली, उन्होंने कभी किया नहीं है तो उनके साथ वो काम कर रहे हैं, वो बनाना बॉन्ड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट बहुत अच्छा काम किया है सबने। सो यस गाइस, हमें बहुत अच्छा लगा एंड दिस वाज आवर रिएक्शन, वी होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा हैंडल दिए हुए हैं हमारे, अगर आप हमें वहां भी फॉलो करना चाहो तो आप हमें वहां फॉलो कर सकते हो। हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।